हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। तेजस्वी यादव की जनसभाओं में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, ये बिहार के सियासी घमासान को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही है। देखिए, नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के लिए रैलियां कर रहे हैं। चिराग पासवान के साथ उनके दिवंगत पिता का कहीं ना कहीं समर्थन है, एक सिंपैथी वोट है जो उनको मिल रहा है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के साथ क्या है, तेजस्वी यादव के साथ उनके पिता की लेगेसी है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान जितनी भी अप्रिय घटना हुई है, उनको उस दौरान जंगल राज कहा जाने लगा था, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से जनसभा में सैलाब उमड़ रहा है, ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है और बहुत दिलचस्प बना रहा है बिहार के चुनावी घमासान को। लेकिन अब एक मुसीबत यह भी है कि तेजस्वी यादव की भीड़ में जो लोग आ रहे हैं, वो उनके पक्ष में तो नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक उग्रता देखी जा रही है, एक आक्रामकता देखी जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये नेगेटिव इंपैक्ट ना डाल दे तेजस्वी यादव को लेकर, जब बिहार की जनता वोट करने के लिए जाए। सवाल यह भी है कि MY वोटर्स के बदौलत ही क्या तेजस्वी यादव शीर्ष पर बैठ पाएंगे। MY का मतलब है मुस्लिम और यादव। दरअसल RJD के साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम और यादव वोटर्स जाते रहे हैं। सवाल यह है कि बाकी के जो वोटर्स हैं, क्या वो भी तेजस्वी यादव के साथ जाना पसंद करेंगे जो बिहार चुनावों में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से आक्रामकता तेजस्वी यादव की रैली में देखी जा रही है, लोग डर रहे हैं कि अभी तो सत्ता में आए भी नहीं है और अभी से ये हाल हो गया है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान जब जंगल राज कहा जाता था, उसको भी याद किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं और अगर वही तरीके का दौर देखने को मिला तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव वादे बहुत कर रहे हैं, दावे बहुत कर रहे हैं। देखना होगा, अब 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होना है और 10 नवंबर को तस्वीर निकलकर साफ हो जाएगी। देखना होगा जो फैक्टर्स निकलकर सामने आ रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में जाते हैं या फेवर में जाते हैं। बहरहाल, आप तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोचते हैं, या फिर बिहार में जो चुनावी घमासान मचा हुआ है, क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा।